पुलवामा का बदला पूरा, पीएम मोदी बोले देश सुरक्षित हाथों में, झुकने नहीं दूंगा। लोकसभा चुनाव 2019 में फिर सत्ता में वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक राज्य में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इस कड़ी में पीएम मोदी मंगलवार को राजस्थान के चुरू में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना के द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली रैली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुरू की रैली में कहा कि आज देश का मिजाज अलग है। उन्होंने कहा कि मैं देश को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में मैंने कहा था सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। पीएम ने कहा कि देश से बड़ा कुछ नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता को पढ़ा। उन्होंने कहा कि सोमवार को ही राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को देश को समर्पित किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने पूर्व सैनिकों से और आप देने का वादा किया था। हमारी सरकार अभी तक 35,000 करोड़ रुपए वितरित कर चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए दल से बढ़ा देश है, हम देश की सेवा में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के लिए अभी तक की सबसे बड़ी योजना लागू की है। इससे हर छोटे किसान के खाते में 6,000 रुपए सालाना जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अभी तक केंद्र सरकार को लाभार्थियों की लिस्ट नहीं भेजी, इस वजह से यहां किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। पीएम ने कहा कि वह राजस्थान की सरकार के पीछे लगे हुए और लिस्ट लेकर ही रहेंगे ताकि किसानों के खाते में पैसा पहुंच सके। इससे अगले 10 साल में किसानों के खाते में 7.5 लाख करोड़ रुपए दिया जाएगा। इस योजना से 12 करोड़ किसान परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जब हमने योजना का ऐलान किया तो लोग कह रहे थे कि ये नामुमकिन है, लेकिन अब ये भी मुमकिन है क्योंकि ये मोदी सरकार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान में आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि राजस्थान की कांग्रेस सरकार उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही है। उन्होंने कहा कि आपके एक वोट की वजह से दिल्ली में मजबूत सरकार बनी और उम्मीद है कि आपका ये वोट एक बार फिर मजबूत सरकार बनाने के लिए मौका देगा। 4 दिन के भीतर मोदी का राजस्थान में दूसरी सभा है। इससे पहले उन्होंने टोंक में रैली को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। इस रैली के जरिए राजस्थान के शेखावाटी इलाके की 3 लोकसभा सीटों चुरू, झुंझुनू और सीकर के मतदाताओं को साधने का प्रयास करेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज बीजेपी ने शुरू कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बूथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र के साथ चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत की थी। इसके बाद पीएम मोदी ने शनिवार को टोंक सवाई माधोपुर एक जनसभा को संबोधित करके मिशन 2019 का और भी धार दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान की सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की। इस तरह मौजूदा समय में बीजेपी के 23 सांसद हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है और कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की है।